14 अप्रैल 1944 को बॉम्बे में एक वो था जहाज़ था जो जिसके अंदर 76 जो हमारे फायर्स फायरमैन थे वो वहाँ पे शहीद हो गए थे, जो एक बहुत ही ना विकराल रूप से एक बम विस्फोट हुआ था वहाँ पे, उसमें हमारे जो फायरमैन थे वो शहीद हुए थे, उसके साथ में काफ़ी सारे जो और लोग भी थे वो भी वहाँ पे शहीद हुए थे। सिविल डिफेंस टीम ने मनाया 78वां अग्निशमन स्मृति दिवस। 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह में फोर्ट स्टिकैन नामक मालवाहक जहाज में शहीद हुए 66 फायर फाइटर्स को दी श्रद्धांजलि। गुरुवार को अजमेर नागरिक सुरक्षा कार्यालय में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय अग्निशमन स्मृति दिवस मनाया गया। इस दौरान आमजन को सुरक्षा एवं भयमुक्त करने पर जोर दिया गया। आगामी एक सप्ताह तक सभी वॉलंटियर्स को आमजन को आपात स्थिति में सुरक्षित रखने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिविल डिफेंस टीम के मीडिया प्रभारी किशन गोपाल जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह में फोर्ट स्टिकैन नामक मालवाहक जहाज जिसमें रुई की गांठें, विस्फोटक एवं युद्ध उपकरण भरे हुए थे, उस जहाज में अकस्मात आग लग गई। आग को बुझाते समय जहाज में विस्फोटक सामग्री होने के कारण अपनी जान की परवाह किए बगैर अदम्य साहस और बहादुरी दिखाते हुए इन जांबाज सैनिकों ने आग को बुझाने की पूरी कोशिश की और आग पर काबू भी पा लिया, लेकिन जहाज पर विस्फोटक होने के कारण 66 अग्निशमन कर्मी आग की चपेट में आकर वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने व अग्नि से बचाव के उपाय बताने के लिए देश भर में यह दिवस मनाया जाता है। अग्निशमन दिवस के अंतर्गत नागरिकों को अग्नि से बचाव तथा सावधानी बरतने के संबंध में जागृत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अग्नि सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य नागरिकों को अग्निकांडों से होने वाली क्षति के प्रति जागरूक करना तथा अग्निकांडों को रोकने एवं अग्नि से बचाव के उपायों के संबंध में शिक्षित करना है। इसके साथ ही सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था, अग्निशामक उपकरणों का प्रयोग, आग की स्थिति में बचाव के उपाय, उद्योगों में अग्नि सुरक्षा व सावधानियाँ, विद्युत अग्नि सुरक्षा व सावधानी, बहुमंजिले भवनों में अग्नि सुरक्षा, विकलांग व्यक्तियों के लिए अग्नि सुरक्षा आदि इस स्मृति दिवस के मनाने के दौरान नागरिक सुरक्षा विभाग के फायर ऑफिसर राघवेंद्र सिंह, सतपाल यादव, योगेंद्र सिंह एवं सभी वॉलंटियर्स मौजूद रहे। आज 14 अप्रैल है और आज हमारा 78 फायर सर्विस डे है, जो हम यहाँ पे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं सभी वॉलंटियर्स। हमारे फायर ऑफिसर्स हैं यहाँ पे और हम लोग जो फायर्स की ड्यूटीज़ करते रहते हैं यहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पे फायर डे मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ पे हुए हैं, क्योंकि जो 14 अप्रैल 1944 को बॉम्बे में एक वो था जहाज़ था जो जिसके अंदर 76 जो हमारे फायर्स फायरमैन थे वो वहाँ पे शहीद हो गए थे, जो एक बहुत ही ना विकराल रूप से एक बम विस्फोट हुआ था वहाँ पे, उसमें हमारे जो फायरमैन थे वो शहीद हुए थे, उसके साथ में काफ़ी सारे जो और लोग भी थे वो भी वहाँ पे शहीद हुए थे। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आज इस दिवस को मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं यहाँ पे, इसलिए हम सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और हमारे फायर ऑफिसर्स यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ पे हम लोग सब जने इसको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आपका नाम? अंतिमा भाटी, सिविल डिफेंस, CDI। आज सिविल डिफेंस टीम, नागरिक सुरक्षा विभाग ने 78वां अग्निशमन स्मृति दिवस मनाया 14 अप्रैल 1944 को, जो मुंबई के अंदर एक मालवाहक जहाज था उसमें आग लगने के कारण हमारे 66 जो फायर के जो सैनिक थे वो शहीद हो गए थे। आग पर उन्होंने काबू पा लिया था, लेकिन उसमें विस्फोटक सामग्री और सैन्य सामग्री होने के कारण जोरदार विस्फोट हुआ और उसमें 66 प्लस और भी जो अधिकारी थे उनकी जाने चली गई। उन्हीं को याद करने के लिए हमने 2 मिनट का मौन रख के ये समर्पण दिवस मनाया। जी सर, इधर अग्निशमन दिवस आज और फायर का शहीद दिवस है, मतलब 78वां शहीद दिवस है और इसमें हमारे जो बम्बई में एक जहाज की आग लगी थी जिसमें हमारे 66
वॉलंटियर शहीद हुए थे उनमें ऑफिसर भी थे, उन्होंने पूरा आग पे काबू पा लिया था, लेकिन लास्ट में वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, इसलिए ब्लास्ट हो गया था। और इसी उपलक्ष्य में हम सभी वॉलंटियर इधर सिविल डिफेंस के एकत्रित हुए और स्थापना दिवस ये मना रहे हैं हम, इसका शहीद दिवस, और सब ने हमको श्रद्धांजलि दी है उनको। और हमारी इसमें उपलक्ष्य में सभी हमारे जो ऑफिसर थे सिविल डिफेंस के वो सभी मौजूद थे, और हमारी पूरी सिविल डिफेंस की टीम मौजूद थी, और इसी चक्कर में।